अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप तो आप लोग खैरियत से होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक। अभी मैं जा रही हूँ अपनी कज़न के घर। वो मैं क्यों जा रही हूँ उधर, वो भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊँगी। मैं अपनी कज़न के घर इसलिए आई थी फ्रेंड्स क्योंकि मैं उनकी फैमिली के साथ जा रही हूँ घूमने, क्योंकि मेरी कज़न ने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया है। मैं आप अपनी कज़न के घर आ गई हूँ और अभी हम लोग थोड़ी देर बैठे हैं, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे। मेरी कज़न के मैंने एक मीठा बनाया जिसको मैंने टेस्ट किया, बहुत ही मज़े का बना है। फ्रेंड्स मैं रेडी हो चुकी हूँ अभी, बस मेरी कज़न है वो भी रेडी हो गई है। आ जाओ इधर, आ जाओ कैमरा में आओ। सो फ्रेंड्स हम दोनों जो है रेडी हो गए, इसको भी देख लीजिए, मैं भी रेडी हो गई हूँ और बस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। बस थोड़ी सी तैयारी रहती है वो हो जाएगी मुकम्मल, फिर हम लोग निकलेंगे। पैर नहीं दिख रहे तुम्हारे बेटा। खाना हम अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो ये जो खाना है ये रेडी हो चुका है, ताकि इसको ऑटन पॉट में डालेंगे ताकि ये गर्म ही रहे, ठंडा ना हो जाए। यहाँ पे एक ये लड़का है जो रेडी नहीं हो रहा, कब से फैशन ही करे जा रहा है। अभी हम लोग निकलने लगे हैं बस। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और समंदर जो है बिल्कुल सामने हमारे और वो बहुत दूर है, लेकिन अभी बस हम लोग उसी साइड जा रहे हैं। हमारा प्रोफेसर आरिस भी जो है वो हमारे साथ ही है और जो हमें हमेशा अपने साथ साथ लेकर ही घूमता है। समंदर आई थिंक इधर टकराता है ना, तो ये सारे सीप इतने सारे वो इधर आ गए। यहाँ पे हम लोग बैठे और हवा ने हमें इतना तंग किया है ना कि इतनी हवा चल रही है, हम लोग कभी कपड़े उड़ रहे। हाँ जी थैंक यू, हमारे बुट्टा लेकर आ गए। इस व्यू में बुट्टा खाने का मजा ही अलग है ना। चलो इसको अभी से ऑफ करो। आरिस भाई का फोटोशूट यहाँ पे भी स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखें। आंटी एक 200 का नहीं, दो दो 200 के। आंटी हमें भी दे देंगे, ये जिसमें गुलाब लगे होते हैं वो वाले अच्छे बढ़िया बना के अच्छे लगे। हमारी मर्जी, आपको क्या घुस जाओ कैमरा घुसा दो मेरे मुंह। आरिस भाई आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे? कुछ नहीं बोलना चाहता। देख सकते फ्रेंड आरिस भाई अपने चश्मे का रेट जरा बता। 15,000। चल झूठा तौबा, बस वीडियो बन गई और फिर उसमें इतने शो ऑफ करने, समझ रहे हो? समझ रहा, क्या जरूरत है आरिस भाई, वीडियो बनता देख ले, बस शुरू है अपने शो ऑफ में। पूरे कजनों में एक नादीदा आरिस भाई है। ये अंदर पैर डालो वरना हम लोग गिर जाएंगे। चलो ये उस दिन जब फ्रेंड्स हम लोग पिछली बार आए थे भी कोई अपना हस्की लेके आया था और अब भी ये हस्की लेके आए हैं ये। हाँ ये हस्की डॉग है ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, इसका नाम क्या है? लूसीफर। वाओ नाइस नेम। ये हाथ लगा सकते हैं? लूसीफर लूसीफर सिट स्टैंड अप। ये हमारी नहीं सुन सकता नहीं। चलो बाय बाय लूसीफर। तो अभी हम लोग यहाँ से जाने लगे हैं कहीं और ये मेरी कजन है जो मेरे साथ ही हर जगह घुसती रहती है। उधर हो जाओ इधर आ जाओ। बात हो रहा है ज्यादा।
चलो चलो इसको भी ब्लॉग में ले लो भाई। अब हमें यहाँ से लेकर ना यहाँ से उस साइड जाना है पूरा, और ये पूरी इससे उधर पलट के जाना है, और इतना मुश्किल है यहाँ पे, लेकिन चले जाएंगे। पहले मेरी कज़न जा रही है, बेटा संभाल के जाओ, इसके काम चेक करो। आ जाओ आ जाओ, ब्लॉगर्स के काम चेक करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिस्मिल्लाह, सबर मारो मारो। गई बंदी, नीचे पत्थर है। इस भाई आप भी आ जाओ इसी तरह, हारिस भी उधर से घूम कर जाएंगे। क्यों पता है क्यों? क्योंकि इनके ना शान में गुस्ताखी ना हो जाए। लंके है हमारे तरह ही है एवं। तो अभी हम लोग आए हैं इस साइड, इस साइड के भी हम लोगों ने सोचा कि व्यू कैप्चर कर लेते हैं। उस साइड तो हम लोग बहुत घूम लिया, बिल्कुल सनसेट होने ही वाला है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ का जो सनसेट व्यू है वो ज़्यादा प्यारा लगता है, तो यहीं से ही कैप्चर करते हैं। ये पावर बैंक का प्लग कभी निकल रहा है फ्रेंड्स, इतना मुश्किल है, चार्ज भी हमेशा लो होता जाता है। यहाँ की जो मिट्टी है ना, पता चलेगा जब चप्पल गंदे होंगे। कोई नहीं कोई नहीं, यहाँ पे समंदर सब देख रहा, आपको कोई भी नहीं देख रहा। ये रास्ता देख के अब पता चलेगा ना, अब पता। और हमने कोई शूज नहीं पहने बहन, अरी बाकी आपके तो ये चप्पल किसी का चप्पल यहाँ पे फंस गया है, और कोई लेके भी नहीं गए, देखो इतने अमीर लोग हैं। बिस्मिल्लाह फ्रेंड्स, मेरे तो पैर भी फंस जाएगा। नहीं फंसा भाई के तो मजे, आप बोलिए आप कह रहे थे, मैं कह रही हूँ कि आपके तो मजे, आपने तो शूज पहने, लॉन्ग शूज हैं, लेकिन ये मुझे फिर घर पे जाके ना बैठ के धोना, फिर इनकी सफाई करनी पड़ेगी। मैं भी हूँ। अभी हम लोग यहाँ तक आ गए ना फ्रेंड्स, फिर मेरा कजिन कहते हैं कि वापसी में हम लोग गाड़ी पे आएंगे, बातें चेक करो। अब दीदी समंदर देखो, देखो समंदर कितना दूर है अभी, और हमें इतना दूर जाना है फ्रेंड्स, इतना मुश्किल है ना। खुद को संभालो, मोबाइल तो संभालो, और नीचे नीचे तो भाई, नीचे तो पाकिस्तान है, नीचे पाकिस्तान है यार। नीचे देखो सारे पाँव, ये देखे नीचे पाँव मिट्टी से भर गए, क्योंकि फ्रेंड्स हमने शूज नहीं पहने ना, सब ने शूज पहने, हम लोग सैंडल के ऐसे शो ऑफ के लिए सैंडल पहन के, अगर अभी हमारा सारा शो ऑफ ही निकल गया। भाई बोल रही है जो लड़का जा रहा है यार, इसमें इतना आगे निकल के, और हम लोग अभी भी इधर है फ्रेंड्स। ये देखिए पूरी पूरी जगह में यहाँ पे सीप ही सीप पहले हुए हैं। आई थिंक ना जब यहाँ पे जून जुलाई के टाइम पानी यहाँ यहाँ तक आता है, तो उन्हीं के साथ साथ ही सीप भी आ जाते हैं। आज यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो हारिस भाई है ना, ये मुझसे अपना फ़ोटो शूट करवा रहे थे, फिर हमने भी इससे बदला ले लिया कि आप भी हमारा फ़ोटो शूट करें, और ये देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। फ्रेंड्स पानी इतना दूर है ना कि हमें समझ नहीं आ रहा, पर हमने सोचा हम पानी के पास ही जाएंगे। फाइनली फ्रेंड्स हम पानी के बिल्कुल पास आ गए, और पानी भी हमारे पैरों से टकरा रहा है। सो फ्रेंड्स बस अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, वहाँ पे क्या हो सकता है, अंधेरा भी बहुत हो गया है, और चार्ज भी कम है मोबाइल में, तो पावर बैंक भी लगाया है। फ्रेंड्स ये देखिए ये वाली जगह आ गई, और हमारे पैर गायब हो रहे हैं इनमें, देखिए कितने गंदे हो चुके हैं, इतना लंबा रास्ता जा रहे हैं, अंधेरा हो गया बिल्कुल। फ्रेंड्स फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से कोई और जगह जाने के लिए। फ्रेंड्स असल में हुआ ये था कि हम लोगों को डिसाइड करना था कि सी व्यू की साइड एक जगह है, वहाँ पे बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स हुआ ये कि खाना जो हम लोग वहाँ पे नहीं खा सके। क्यों नहीं खा सके फ्रेंड्स? क्योंकि वहाँ पे लाइटिंग नहीं होती, तो हम लोगों ने सोचा हम लोग कार में बैठ के खाते। फ्रेंड्स यहाँ पे ये चटनी, ये बिरयानी, और ये अरीबा, और ये मैं, और अभी हम लोग करते हैं इंजॉय। फाइनली आज हम आए हैं पॉट ग्रैंड, और यहाँ से ये वाला व्यू देखें। अरीबा इधर आ जाओ। और इस भाई टिकट्स लेकर आ गए फ्रेंड्स, और अभी हम लोग जा रहे हैं बस अंदर इंटर होने। महंगे
के टिकट्स ना फ्रेंड्स, और ये यहाँ पे आके ये लोग फाड़ देते हैं। आज भी लगता है कोई ना कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट होगा क्योंकि सारे चेयर्स लगे हैं, और आई थिंक सो 8 बजे के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। पहले फ्रेंड्स म्यूज़िक कॉन्सर्ट हमेशा इधर होते थे, लेकिन अभी जो है वो इस वक्त इधर होंगे। अंदर वो देखो इतना क्यूट है यार, ये वही जगह है जहाँ पे जंगली लोग डांस करते, और वो रहा जंगली और वो रहा दूसरा अमिताभ, अमिताभ के जैसे दिखते मतलब। अमिताभ बच्चन साइड कॉन्सर्ट स्टार्ट हो गया अभी मैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स अभी हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये वॉक करते, स्ट्रीट वॉक ही है समझो। गोल्डन मैन इधर भी, और ये उसे लगते हैं इंसान ही, लेकिन ये इंसान ही है। फ्रेंड्स वो गोल्डन मैन इतना अचानक से हमारे सामने आ गया ना कि हम लोग डर गए, मैं तो डर गई थी, ये नहीं डरी थी, मुझ पे हंस रही थी। और इसमें क्या कर रहे हेलो हर्षवी को, तो भाई ठीक है हर्षवी का काम चेक करें, लड़की देख ली ये लड़का। फ्रेंड्स अभी यहाँ से कुछ लेके खा रहे, टेस्ट करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या क्या मिलता है हर्षवी? इसमें से अंकल बहुत कम निकलता है। नहीं नहीं इसमें ज्यादा निकलेगा भाई, इसमें ज्यादा निकले आपको पैसे नहीं देगा, और बोले गोला गंडा फालूदा लस्सी इसकी वीडियो बनाएगा अच्छा लगेगा। हमारे सर कोई सस्ते ब्लॉगर हैं थोड़े बहुत, सबसे सही तो फिर महंगा महंगा होता है। कल अभी हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं स्मोक वाला, तो अंकल हमारे लिए बना रहे, देखते हैं अंकल किस तरह बनाते हैं। आज आया इस लोग मुझसे धुआं निकालने वाला, इसको स्टीक से इलाज खाइएगा, ऐसे इलाज लागे, इसका पानी नहीं पिएगा, जल्दी जल्दी खाए, मेरे धुआं निकलेगा दादा। गंडा है, लिखा है, थोड़ा है, भोपाल है, फलूदा है, लस्सी है, शेक है, आ जाए तो दादा इनके ये ट्राई करते मुँह से अजीब सा धुआं निकल रहा था, दांतों में ही दर्द हो रहा था। खा लो खा लो, रेस्टोरेंट वगैरह भी आएंगे। अरे अपना पूरा शॉप है इनके, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फ्रेंड्स इस गोल्डन मैन ने ना बहुत बुरी तरह डराया है हमें। हमें छोड़े फ्रेंड्स, यहाँ पे अंकल भी पीछे रह गए। नहीं कोई तरीका है भीख मांगने का? डांसर आए अभी डांस करने।
अपनी तो कर ली और हमारी शादी और हमें अपनी शादी में बुलाया भी नहीं। कि मैं पागल हूँ, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? फ्रेंड्स सब कुछ देख लिया था, अब वहाँ पे हो रहा था म्यूजिक कॉन्सर्ट जो हम लोगों ने काफी ज्यादा देख लिया था, तो बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए। ये लड़का आधे रास्ते से हमारे साथ गाड़ी में बैठ गया और अभी हम लोग इसके साथ जाएंगे घर। अभी हम लोग यहीं पे बैठे हैं, थोड़ी देर में घर जाते हैं और ये लड़का हमारे बीच में आके चिपक गया। चलो बर्तन वर्तन लेके जा रहे घर। फाइनली फ्रेंड्स जा रहे हम अपने घर। आज का व्लॉग यही तक था फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।